तो गाइस सुन सकते हैं आवाज को। ओहो क्या खतरनाक। तो देखिए क्या झरना है नीचे, बहुत ही डेंजर। तो गाइस ये देखिए वाटरफॉल कितना खतरनाक दिख रहा है। तो अभी हम वहाँ जाके आपको दिखाते हैं वाटरफॉल। ये देखो ये इनकी शो हो जाएगी। सो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुसाई ब्लॉग UK01 में। मैं आपका दोस्त अर्जुन गुसाई। तो आज सुबह का नज़ारा देखिए। तो आज बारिश हो गई है बंद और सुबह के बजने वाले हैं 8। तो आपको दिखाता हूँ आज खूबसूरत सा नज़ारा। जब से ये रास्ता सही बन गया है तो तब से हम अपनी बाइक जो है घर ले जाते हैं। तो ये देखिए पेशाब करने वालों से बहुत परेशान हो गए हम, जबकि शौचालय जो है सामने बना है। ऐसे ही रहता है, जो प्रशासन को काम दिया जाता है, कूड़े की भी व्यवस्था नहीं हो रखी है। सारा कचरा जो है हमारे गांव के रास्ते में फेंक देते हैं। तो हम पहुंच गए हैं मौलेखाल। और बोलो राणा, और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ले गया हूँ अपनी दुकान वाली छत पे। और इधर देखिए कितना खूबसूरत नजारा सुबह सुबह का। और सामने से यहाँ पे जो है अभी सूर्य जो है छिपा हुआ है बादलों के पीछे। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस अभी आपने देखा कि मैं इस रास्ते से अपने घर से आया तो उस टाइम ये बादल नहीं थे, और अभी देखिए सॉरी कोहरा मतलब नहीं था, और अभी भी देखिए पूरा जो है कोहरा भर गया है, जबकि 5 मिनट भी नहीं हुए अभी तक मुझे यहाँ पे आए हुए। देखिए पूरा जो है कोहरा भर गया है। तो आज भी मौसम ऐसे ही रहेगा, अंधेरा, दिन भर अंधेरा टाइप का। गाइस देखिए अभी पूरा जो है कोहरा पूरे बाजार में भरने वाला है। ये देखिए अभी मौसम कितना साफ हो रखा था, अच्छा रहा मैंने पहले ही वीडियो बना ली, नहीं तो इस टाइम जो है ये धुंधकार पूरी छा जाती और वीडियो साफ नहीं बनती। ये देखिए पूरा कोहरा इधर आने वाला है। तो हम आ गए हैं घर और काफ़ी खूबसूरत मौसम रखा आज। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वाटरफॉल। ये देखिए भीड़ जो है सब वाटरफॉल को देखने के लिए जा रहे हैं आज हम। तो हमारे साथ हैं हमारे चाचा जी। हटो, हमें चाचा जी से मिलने तो हटो। अरे यार हमारी खुट्टी रड़ गई थी अभी। अरे यार मैं तो समस्या लग गई हूँ वो, मैं तो रड़ गई है। तो गाइस सुन सकते हैं आवाज को। ओहो क्या खतरनाक। तो देखिए क्या झरना है नीचे, बहुत ही डेंजर। तो गाइस ये देखिए वाटरफॉल कितना खतरनाक दिख रहा है। तो अभी हम वहाँ जाके आपको दिखाते हैं वाटरफॉल। ये देखो ये इनकी शो हो जाएगी। तो भाई सब चले गए हैं नीचे, तो हम भी आप। अरे बहन ये
तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी का फ्लो देखिए कितना खतरनाक है। अरे यार ओहो ये देखिए पानी का बहाव। ये हमारे बाहुली यूट्यूबर। तो गाइस ये देखिए वाटरफॉल तो काफी खतरनाक वाटरफॉल है। तो भाई देख सकते हैं हमारी टीम में इतने सदस्य जो हैं ऐड हो गए हैं। तो बूढ़े से लेकर यंग से लेकर सभी लोग। अरे भाग डाला। तो देख सकते हैं कितना खतरनाक वाटरफॉल है। तो पहले जो ये वाटरफॉल था पहले इस साइड में बहता था, तो जब से रोड कटी है तो तब से वाटरफॉल का वाटरफॉल की डायरेक्शन चेंज हो गया, अब इस साइड में से गिर रहा है इधर को। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं आप कितना खतरनाक वाटरफॉल है। तो ये जो वाटरफॉल है ये सल्ट तहसील और जो सल्ट ब्लॉक है वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूराई पे है वाटरफॉल। तो फुलौली देवी खाल वाली रोड पर ये वाटरफॉल है। तो गाइस देख सकते हैं आप कल जो बारिश हुई थी तेज उसमें देखिए कितनी खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है। ऊपर पूरी जो है चट्टान टूट के नीचे यहाँ खाई में चले गई है, और देखिए ये पूरी रोड भी टूट गई है। तो पूरी चट्टान टूट के खाई में गिर गई है। और देखिए आज का मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। तो दिन के बज गए हैं 2 और काफ़ी खूबसूरत माहौल हो रहा है इस टाइम, तो मज़ा आ रहा है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे जो है दलदल हो गया है, और सब जो है दलदल की वजह से यहाँ नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए ओहो क्या खतरनाक ओ बाप रे। तो देखिए पूरा ये एरिया टूट के नीचे आ गया है। वो निकाल देने तो यहाँ पे भी दलदल हो रखी है। ओहो तो हमारे साथ जो है हमारे बुबू जी तो देख सकते हैं ये पेड़ जो है पूरा यहाँ से देख सकते हैं पेड़ वहाँ से उखड़ के ये देखिए। तो ये रोड है नोपड़वा से कुलेल टू देवी खाल वाली, तो वाटरफॉल भी इसी रोड पे है। जो तो आज हम घूमने आए हैं अपने, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। तो ये नज़ारे जो हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे पहाड़ों के सिवाय। तो हमारी टीम में देखिए आज कितने लोग शामिल हो गए हैं। आप बता मैं क्यों कहाँ माना वहाँ जा रही हूँ उनको पा रहा हूँ। तो ये सबसे बुजुर्ग आदमी हमारे साथ जुड़े हैं आज। पूरी रोड जो है टूट चुकी है। क्या
तो काफी जस्तोजहद करनी पड़ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे भी पूरा जो है मलवा रोड पे आ गया है। तो पहाड़ की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, इस रोड की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो अभी हमने जबकि 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो क्रॉस नहीं किया है, तो हमने देखा कि वाटर क्रॉसिंग और जो लैंडस्लाइडिंग, तो जगह जगह पे दलदल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है पहाड़ों से जो है रिस रहा और नीचे यहाँ पे गिर रहा। तो ये देखिए पानी बिल्कुल, देखिए पांव बिल्कुल जो है धस जा रहे हैं। ये देखिए ये वो बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है यहाँ। ये देखिए मेरे पांव, तो ये देखिए मेरे पांव कैसे हो गए हैं। तो इतनी भयंकर आपदा हो रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जो है बंद करनी पड़ रही है। तो आज 2 दिन हो गए हैं लाइट को गए हुए। तो गाइस ये देखिए छोटा सा और वाटरफॉल, और देखिए यहाँ पूरा मलबा जो है रोड पे आ गया है। तो ये देखिए वाटरफॉल। तो ये देखिए बाजार का कचरा भी जो है यहाँ पे आ रखा है। ये बहुत बेकार बात है कि यहाँ पे जो है कचरा यहीं पे फेंक दे रहे हैं। तो कभी भी हो नालों में गधेरों में हो गया, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि होटलों का जो कचरा है लोगों ने जो है ये गधेरों में फेंक रखा है। तो अब ये जो कचरा है ये यहाँ से बह के जाएगा नीचे नदियों में, और ऐसे ऐसे करके जो है नदियाँ जो दूषित होती हैं, गंदी होती हैं, गंदी हो जाती हैं। नदियों का पानी जो गंदा होता है इन्हीं कारण से होता है, क्योंकि लोग बाग जो है ऐसे ही कचरा फेंकते रहते हैं। तो ऐसे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, गुस्साई ब्लॉग की दो उनको, और कमेंट करना जरूरी, कमेंट ज़रूर करें, चाहे वो वीडियो में चाहे कोई कमी हो तो कमेंट करें के माध्यम से आप बता सकते हैं कि वीडियो में जो है ये कमी थी। ये देखिए सनसेट का टाइम, मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो रखा है, और ये देखिए हिमालय।
की इंटरेस्टिंग भरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें गुसाई ब्लॉग 101 को। और आप जिसमें चाहे जो भी गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और कमेंट करना ना भूलें। आपकी कमेंटों से ही हमें पता चलता है कि वीडियो में क्या अच्छा था क्या बुरा। तो तब तक के लिए जय हिंद।